स्वागत है आपका IBN9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। डिंडोरी जिले के जनपद पंचायत बजाग अंतर्गत ग्राम पंचायत बानपुर के आवास टोला में स्थित आवास नाला में पुल का निर्माण कार्य पंचायत कर्मियों द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि इस कार्य में बहुत ही अनियमितताओं को पार करके कार्य किया जा रहा है। इनका कहना है कि ना तो उपयंत्री द्वारा लेआउट डाला गया और ना तो देखरेख करने के लिए कोई बड़े अधिकारी आए हैं, जबकि पुल निर्माण कार्य पूर्ण होने की कगार पर है। ना तो जमीनी स्तर पर खुदाई की गई है, सीधे तौर पर जोड़ाई कर दी गई है, जबकि इनकी शिकायत 181 पर भी की जा चुकी है, फिर भी ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। डिंडोरी से अजय लौरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सचिन मानिकपुरी। यहाँ पे जो ग्राम पंचायत भानपुर में आवास टोला के आवास नाला में जो पुलिया निर्माण किया जा रहा है, ये कैसा निर्माण किया जा रहा है? ये जो पुलिया निर्माण किया जा रहा है, इसमें ना तो उपयंत्री के द्वारा लेआउट दिया गया है मौके पे, और ना ही आज तक आके उसको देखा गया है। हम लोगों के द्वारा 181 में भी शिकायत किया गया है, और CO SDO उपयंत्री को लगातार शिकायत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो आकर के निर्माण कार्य को देख नहीं रहे हैं। इसकी जो खुदाई किए हैं नींव की, वो जमीन स्तर तक ही है, नीचे ना तो इसकी कोई खुदाई की गई है और ना ही सही मटेरियल का यूज किया जा रहा है। इस तरह ये पुलिया पूर्ण गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि पुलिया कितने दिन टिक सकती है? ये पुलिया अच्छी बारिश हुई तो इसी वर्ष ऐसा लग रहा है कि ढह जाएगा, क्योंकि गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।